हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको अपने न्यू स्टैंड्स दिखाऊंगी। मैंने अभी विंटर गार्डन के लिए कुछ स्टैंड्स बनवाए हैं और शुरुआत करते हैं अपने लियो के साथ। हाय लियो, लियो शेक हैंड, शाबाश, हाई फाइव, लियो हाई। तो ये कुछ स्टैंड्स मैंने बनवाए हैं, देखिए। इधर पहले ये देखिए, ये डबल वाले स्टैंड्स लगे हुए हैं, ये वाले। इनको मैं फर्स्ट फ्लोर वाले गार्डन में ले जाऊंगी। और यहाँ के लिए जैसे इस तरफ ये थ्री लेयर वाले बने हुए हैं, और वैसे ही ये देखिए इधर मैंने थ्री लेयर वाले बनवाए हैं। ये स्टैंड्स मेरे को महंगे मिले हैं बहुत, 3,500-4,000 कह रहे थे वो, 3,500-3,500 दिए हैं मैंने। और अब बस फिर मैं वही बात कहूँगी, आप लोग पैसे का मत करना, वही शौक की बात है। तो ये दो स्टैंड्स ये बनवाए हैं, ये यहाँ लग जाएंगे सामने। 5-5 फिट के हैं ये दो, 10 फिट जगह है ये सामने वाली, तो यहाँ पर ये लग जाएंगे। तो 3 लेयर आ जाएंगी पौधों के इसमें। और एक ये छोटा सा स्टैंड बनवाया है, ये जो एसी का एग्जॉस्ट यूनिट है सर्दी में, उसके आगे रखने के लिए देखिए ये बनवाया है। इसमें 4 गमले आ जाएंगे और फिर नीचे से साफ़ सफाई हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़मीन पे गमले रखती हूँ तो वो फिर झाड़ू पोछे के टाइम हिल नहीं पाते, तो वो सफाई नहीं हो पाती है। और एक ये वर्टिकल स्टैंड है, ये मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन वो जिनसे बनवाए हैं वो ये भी ले आए थे दिखाने के लिए। और इसमें बड़े अच्छी तरह से मैंने देखा है, 9 इंची वाले गमले भी आ जाते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको रख के। ऐसे देखिए, ऐसे ये 9 इंची वाले गमले भी आ जाते हैं इसमें। तो ये 9 इंची वाले गमले, इनमें मैं ये भी रख दूंगी एक कॉर्नर में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गमले आ जाएंगे इसमें, तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ एक आधी कोई छोटी सी हैंगिंग बास्केट भी टांग सकती हूँ ऐसे यहाँ इस जगह पे। तो ये स्टैंड भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर ये भी रख लिया। सेरेमिक पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है, आप अपने इंडोर्स में रखना चाहते हो, ड्राइंग रूम वगैरह में या लिविंग स्पेस में, तो ये कॉर्नर में बहुत सुंदर लगता है। और इसमें आप सिरेमिक के पॉट्स रखो तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक ये लिया है देखिए वर्टिकल स्टैंड मैंने, ये यहाँ रखूँगी इस जगह, देखिए इस जगह पे रखूँगी। यहाँ मैं ऑर्नामेंटल ऑरेंज का पौधा रखती हूँ, ये बड़ा वाला देखिए, ये इसको हटा के इस बार ये रखूँगी। और इसमें 9 इंच के गमले अगर मैं रखती हूँ तो 2, 2, 4, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 गमले आ जाएंगे इसमें, 16-17 गमले आ जाएंगे। तो ये स्टैंड बना है 5,000 का। एक्चुअली मैं उनको पैसे कई बनाती रहती हूँ स्टैंड्स, तो पैसे दो बार में करके भी दे दूँगी। मैंने ये बनवाए तो दो स्टैंड्स थे, उन्होंने कहा ये भी ले लो आप, पैसे दे देना बाद में, तो इसको भी मैं बाद में दे दूँगी। इसके ये जो एक्स्ट्रा वाले उन्होंने दिए उनके कुछ पैसे दे दिए, कुछ बाद में दूँगी मैं। तो ये देखिए 6 फिट लंबा है ये, और खूबसूरत स्टैंड है ये। बस ये साइड वालों में आप बहुत बड़े गमले वैसे रख सकते हैं, वो कह रहे थे मजबूत है बहुत। एक ये कॉर्नर बनवाया है, नीचे भी मेरे इस टाइप के कॉर्नर आप देखते हो पड़ा हुआ है, ये एक कॉर्नर और मैंने बनवाया है। यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ बुद्धा स्टैचू ऊपर रख के और नीचे इस पर कुछ अरेंजमेंट बनाने की सोचा है मैंने गमलों का, अभी विंटर वालों का ही यहाँ छाया रहती है तो। और ये हमारा ये नीचे जाल है, और इसको भी अभी क्लीन करके यहाँ पे भी कुछ ग्रीन ग्रास वगैरह बिछा के मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, तो देखिए क्या होता है अभी। तो इसमें देखिए आपको ये दिखाती हूँ, नींबू का पौधा, ये मैं 3-4 महीने पहले लाई थी, और देखिए इसमें कितने 2-3 नींबू तो हमने इसमें से तोड़ लिए हैं, और कितने नींबू लगे हुए हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नींबू रखे हुए हैं, ये देखिए 10 मैंने काफ़ी तोड़ लिए। और देखिए अभी और आ रहे हैं, ये देखिए ये और बड़ा छोटा सा पौधा है ये देखिए,
और इसमें 9-10 नींबू आए हुए हैं और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इनको अरेंज कर रहे हैं, उन पुराने स्टैंड्स को हटा के नए स्टैंड्स लगा रहे हैं और सब पौधों को अरेंज कर रही हूँ मैं। तो इसको आपको फास्ट में देखिए थे आप। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, देखते रहिए।